विमला वेंकटेश हूँ, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। और हमारे यहाँ एक नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, माइक्रोकॉन 2023। आज के दिन 24 नवंबर 2023 हम लोग एज अ गो ब्लू डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन गो ब्लू इवेंट के लिए हमने एक वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे MBBS, BDS, LT और पैरामेडिकल ब्रांचेस एंड नर्सिंग के स्टूडेंट्स बहुत मात्रा में शामिल हुए और बहुत ही जोश से ये प्रोग्राम मनाया। ये प्रोग्राम इसलिए मनाया जाता है कि हमारे बीच में ईच ऑफ अस, डॉक्टरों में, नर्सेस में और पैरामेडिकल स्टाफ में, एंटीबायोटिक मिसयूज का खतरे का समझ रहे और इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का ज़रूरत समझ में आए। ये दिन इसीलिए सेलिब्रेट करता है। इसका लोगो होता है प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। ये मोटो बनाया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्होंने ही बताया है ये गो ब्लू डे जो है 24 नवंबर पूरे दुनिया में सेलिब्रेट हो, ताकि पूरे दुनिया में लोग विकसित रहे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कितना खतरनाक है और ये कितना बड़ा जंग है जिसको ह्यूमैनिटी को लड़ना चाहिए। थैंक यू। तो इस तरह आपने देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये गो ब्लू डे मनाया गया। इसमें जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इस पर इसके लिए एक वाकाथन अरेंज हुआ KGMU के अंदर, जिसमें फ्लैग ऑफ करके हमने ये मार्च शुरू कराया और ये KGMU कैंपस में और हॉस्पिटल साइड में होते हुए कन्वेंशन सेंटर में आके समाप्त हुआ है। आज सबको यही संदेश देना है कि बचाव सबसे अच्छा उपाय है, तो इसको रेजिस्टेंस को कैसे बचाया जाए, इस पर आज मंथन हो रहा है। जो माइक्रोबायोलॉजी की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें इस पर विचार विस्तार से किया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक का आखिरी दिन है। इस उपलक्ष में हमने एक वॉकेथॉन सेलिब्रेशन के साथ इसको ख़त्म किया है। अभी हमारे पास बहुत से सेशन भी है जिसमें हम एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस का काम करेंगे। बहुत से माइक्रोबायोलॉजिस्ट यहाँ पे आए हैं, संगठित हुए हैं। एंटी माइक्रोबियल्स, एंटीबायोटिक्स का इशू ये है कि ओवर द काउंटर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हमारे जीव जंतुओं में, लाइक जिनसे हमें मिल्क और उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें भी इसका मिसयूज होता है। उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उसके वजह से वो हमारे खाद्य पदार्थ में भी आ गया है, जिसके वजह से हमें ये रेजिस्टेंस हो रहा है। हमारे मरीज जो कम्युनिटी से भी आ रहे हैं उनमें भी ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पाया जा रहा है, और हमें ये अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है कि काउंटर से ख़रीद के जो भी फार्मेसी लिख दे रहा है वो दवाइयाँ मत खाइए। उसके वजह से पूरे ही एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम हो रही है कि सब लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है। इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोग ने अवेयरनेस रखा है कि दवाइयों का मिसयूज़ बंद करिए और अपने आप को और अपने फैमिली को इससे बचाइए। धन्यवाद। जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो इसकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है अभी तो ओवर द काउंटर यूज़ और ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो जब तक हम पब्लिक में अवेयरनेस नहीं देंगे और डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं होंगे कि बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें नहीं करना है, तो जो हमारा वाकेथॉन है, ये जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चल रही है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, तो इसी के दौरान हमने इसका प्रस्ताव ये रखा है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे
डॉक्टर्स हैं, एक मैसेज जाए सबको, दूर तक मैसेज जाए, पब्लिक में भी वैसे मैसेज जाए कि हम एंटीबायोटिक जो जहाँ जरूरत हो वहीं पर उसका यूज करें, और नहीं तो क्या होगा, एक ना एक दिन सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होंगे। पिछले 20-25 साल से कोई भी नई एंटीबायोटिक नहीं आई है, तो जब तक हम उसका यूज नहीं बंद करेंगे अननेसेसरी, तो धीरे धीरे सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं, अगर उसको हम बिल्कुल सही तरीके से यूज नहीं करेंगे जहाँ उसका ज़रूरत होती है, तो धीरे धीरे वो भी रेजिस्टेंस हो जाएगी, और आने वाले टाइम में हमारी आने वाली पीढ़ियों को कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मिल पाएगी, जिससे कोई भी बीमारी का इलाज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी पे मंथन हो रहा है, और बच्चों में जो हमारे पैरामेडिकल के बच्चे हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, एमबीबीएस के बच्चे, उन्हें बहुत उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया, और एक वो मैसेज लेके जाएंगे अपने समाज में, अपने लोगों में, अपने परिवार में, कि हम बिना मतलब के एंटीबायोटिक को यूज ना करें। धन्यवाद। रेडियो।